हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। हालांकि ये टाइम हो रहा है लगभग 8:30 बजे और मुझे बहुत ही अर्जेंट चैनलिंग आप लोग के लिए करनी है जो मुझे कल से रिसीव हो रही है, और जो कि संडे का दिन होता है एंजॉय करने का। बट मुझे पता है कि संडे के सैटरडे के दिन से ही आप जो एनर्जी को पिक कर रहे हो, मुझे आप लोग की सारी एनर्जी पिक हो रही थी। थिंग इज दिस कि मुझे तक सेशन यहाँ बनाने के लिए रोका जा रहा था, मुझे इस कदर व्यस्त कर दिया गया था कि मैं आपके लिए ये चैनलिंग बनाने के लिए टाइम ही नहीं निकाल पा रही थी। और होपफुली आप मेरी आवाज़ से महसूस कर रहे होंगे कि थोड़ा सा मैं भी आज बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, लेकिन 8:30 बजे ही सही क्योंकि ये एनर्जी आगे रहने वाली है। तो आप में से जो लोग इस पर्जिंग के फेज से गुजर रहे हैं, मेरा फ़र्ज है आपको थोड़ा देर से ही सही पर आगाह करना। हालांकि मेरी पिछली चैनलिंग जो टाइमलाइन को लास्ट में मैंने यही पॉइंट्स बोले थे, वही सब चीज़ें आगे भी कंटिन्यू होती रहेंगी। तो हो सकता है बार बार मैं चैनलिंग ना करूँ, बट अभी फ़िलहाल हमें अलर्ट होने के लिए या केयरफुल होने के लिए या कुछ आपके साथ अलग नहीं हो रहा है, आप निश्चिंत हो जाएं, इसलिए मैं आपको ये चैनलिंग बना रही हूँ। तो बेसिकली दो चीज़ें हो रही हैं, जो टाइमलाइन कोलैप्स की बात की थी वो तो हम बाद में बात करेंगे। कुछ अच्छा भी हो रहा है, कुछ भयंकर हो रहा है, बहुत ही भयंकर वाली एनर्जी है। मैं ये कहूँ तो फियर की एनर्जी आपके अंदर डेवलप की जा रही है, बहुत सारा फियर। मतलब आपको खुद को समझ नहीं आ रहा कि मैं डर क्यों रही हूँ, या फिर छोटी छोटी चीज़ पे आप डर रहे हो और आपको लग रहा है कि ये कैसे, मतलब हाउ इट इज़ हैपनिंग, क्या ये मेरी एनर्जी है या कलेक्टिव की एनर्जी है। इस प्रकार से आप लोग भी शायद सोच रहे होंगे, या आप ब्रेव हो बट हर छोटी चीज़ पर आपको फियर क्रिएट किया जा रहा है। आपकी जर्नी को भी लेके हो सकता है, आपके किसी और एरियाज में हो सकता है, आपके ट्विन फ्लेम को लेके हो सकता है। ब्रेन बिल्कुल फॉगी हो चुका है, मतलब किसी ने ब्रेन का दरवाज़ा बिल्कुल बंद कर दिया है। लाइक कई लोग नहीं होते जैसे कि बस सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम क्यों स्क्रॉल कर रहे हैं, हम चाहते क्या है, हमें जाना क्या है, हमें देखना क्या है, हम किस चीज़ को ढूंढ रहे हैं। बस आपकी बॉडी के एक्शंस तो काम कर रहे हैं, फिंगर्स चल रही हैं, आपकी सब चीज़ मूवमेंट्स हो रहे हैं, बट उसमें आपका ब्रेन प्रेजेंट ही नहीं है। आपको समझ में नहीं आ रहा, आप इस चक्कर में आप पूरा दिन सिर्फ वेस्ट कर रहे हो, ना आप रेस्ट कर रहे हो, ना आप काम कर पा रहे हो, ना आप अपने ठीक से इनर वर्क कर पा रहे हो। एवरीथिंग साइकिक अटैक, ड्रीम अटैक बिल्कुल हो रहे हैं। हालांकि ये ऊर्जा परसों से ही थी जो मैंने प्रीवियस चैनलिंग की थी, कल रात में साइकिक अटैक आप ऐसे कई लोगों के ड्रीम में हुए हो सकते हैं, या फिर आज के दिन भर आपको लगभग ये लगा कि बहुत ही नेगेटिविटी है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा, कुछ अच्छे सेंसेशंस ही नहीं हो रहे और बहुत ज़्यादा रोने का मन कर रहा है। मैं क्यों रो रही हूँ मुझको ये भी नहीं पता है। सोचिए आप लोग की ये एनर्जी को पिक करते करते मैंने दिन भर के अपने काउंसलिंग और सेशंस और सोल क्लेंजिंग सब किया था। ओके, इसके अलावा शरीर में थकान बहुत ज़्यादा हो रही है, पैर जैसे ऐसे हैवी हो रहे हैं जैसे बिल्कुल भारी हाथी का पैर हो, बिल्कुल बहुत ही आपको आपकी अपनी ही बॉडी को आप मूव नहीं कर पा रहे हो, चला नहीं पा रहे हो। जो लोग योगा या वर्कआउट करते होंगे शायद उनके लिए आज थोड़ी डिफ़िकल्टी हो गई होगी एक्सरसाइज करने में, क्योंकि बॉडी इस कदर थकी हुई है, टायर्ड है, पेन में है। ऐसा लग रहा है कि पेन बॉडी जो हमारी अंदर होती है पूरी बाहर आ गई है, पूरा अंदर का पूरा पेन बॉडी ऊपर सरफेस पे आ गया है। यस, रीज़न यही है कि आपके अंदर का सारा पेन इस प्रकार से इस वक्त जो सोलर आप लोग एनर्जीज रिसीव कर रहे हो, कोर्स रिसीव कर रहे हो, अंदर की पूरी पेन बॉडी ऊपर आ गई है और वही आपकी नेगेटिविटी आपको नेगेटिव ड्रीम्स दिखा रही है। आप ही की नेगेटिविटी, आप ही के फियर आपको साइकिक अटैक के रूप में ड्रीम्स में आ रहे हैं। तो साइकिक अटैक को कभी कभी आप लोग ऐसा मत समझिए कि कोई बहुत गलत चीज़ आपके संग हो गई है। यस ऑफ कोर्स ये अच्छी चीज़ तो नहीं है, बट ये आप ही के अंदर की नेगेटिविटी होती है, ये आप ही के अंदर के फियर्स होते हैं जो आपको ड्रीम्स में दिखते हैं या आपके ऑरा को एक बहुत ही गंदी सी सेंसेशन देते हैं। अगर आपका अपना ही ऑरा साफ नहीं है, आपको लग रहा है कि मैं ऑरा क्लियरिंग करूँ मुझे अच्छा नहीं महसूस हो रहा है, तो वो आप ही के ऑरा की नेगेटिविटी होती है। ठीक है,
तो यस, तो अनदर पॉइंट निकल के आया कि आपको अपना ऑरा अच्छा नहीं लग रहा होगा, बहुत ही सफोकेटेड लग रहा है, सब लेटे भी हो तो लग रहा है कि कितना कुछ भारी सा पत्थर किसी ने रख दिया हो ऊपर बिल्कुल, और लाइक सफोकेटेड ब्रेथलेसनेस, आप ब्रेथ ब्रीदिंग नहीं कर पा रहे हो और लाइक बस कहीं भाग जाओ, ऐसा लग रहा है कि ये घर कमरा छोड़ के भाग जाओ, क्योंकि आपको नेचर ये कह रही है कि आओ नेचर में आओ, रिलीज़ योर एनर्जीज। हम जब कमरे में रहें या हम लेटे भी हैं तो दिस इज़ नॉट एट ऑल वर्किंग, बहुत सारी प्यास लग रही है, बहुत सारा पानी पीने की इच्छा हो रही है, क्योंकि आपके बॉडी को लिटरली उन लाइट कोर्स को रिसीव करने के लिए, आपके डीएनए की हीलिंग के लिए बहुत सारा पानी, बहुत सारे लिक्विड्स, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो आप बहुत अट्रैक्ट हो रहे हो टुवर्ड्स द हेल्दी फूड और न्यूट्रिटिव जो आपके फूड्स हैं, जूसेस हैं, एवरीथिंग राइट। तो ये आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा सफोकेशन लग रहा है घर में, अच्छा नहीं लग रहा है, बेचैनी सी, घबराहट, हो सकता है कि आपके सेक्रल चक्रा में पेन हो रहा हो, हो सकता है किसी किसी को, डिपेंड अपॉन कि आपने कितनी साधना की है, कितना आपका ऑरा स्ट्रांग है, हो सकता है कि आपको अपने हार्ट सेंटर में अजीब सा पेन हो रहा हो या सेंसेशन हो रहा हो, ठीक है। लेकिन इसी के अपोजिट साइड में आपके डीएम के लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है, आपके डीएम इस वक्त आपके टूवर्ड्स बहुत अट्रैक्टेड हो रहे हैं, और मैं देख रही हूँ कलेक्टिव, क्योंकि मैं कलेक्टिव की एनर्जी पिक करती हूँ, तो शेयर फील्ड के बाद हमारी कलेक्टिव की एनर्जी में बहुत बड़ा चेंज आया है, मैं ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ, मार्वलस चेंज, मैजिकल चेंज, मतलब आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल ऑफ यू। आपके डीएम की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, लाइक दे आर मैग्नेटाइज टूवर्ड्स यू, मिसिंग यू बैडली, wants to meet you, dying to meet you, whatever बोलो, romance करने का मन है, सब कुछ करने का मन है, बहुत ही अच्छी है, क्योंकि बहुत ही अच्छी एनर्जी है इसलिए मैं ऐसे बोल रही हूँ राइट। तो हाँ, आप में से कुछ लोग जिनको बॉडी पेन हो रहा, हो सकता है आपको जॉइंट्स पेन भी फील हो सकते हैं, ब्रेथलेसनेस, सफोकेशन ये भी लग रहा है, तो समझ लीजिए कि आपको क्या करना है, ब्रेथवर्क वर्कशॉप, इमोशनल हीलिंग जो वर्कशॉप, जो दो ये हैं, ये इस वक्त अमृत हैं, क्योंकि इससे इसके थ्रू आप अपनी बॉडी की टॉक्सिसिटी रिलीज करेंगे, ठीक है, ये हो गया। और शेयर्ड फील्ड का जो पार्ट वन है जिसमें मेडिटेशन है, दैट इज़ द की, आपने क्योंकि इसमें आप पूरी एंटायर शेयर्ड फील्ड की क्लेंजिंग कर रहे हो, और आपको हो क्या रहा है, आपकी पूरी बॉडी की इस वक्त वाट लगी हुई है, पूरी बॉडी की चक्रास में सेंसेशन, घबराहट, बॉडी पेन, एवरीथिंग, ठीक है। शेयर फील मेडिटेशन, जो मेडिटेशन है वो की है, ठीक है। इसके अलावा आप अपने हार्ट सेंटर में अगर आपको पेन हो रहा है, आप ग्रीन तारा मंत्र जरूर कीजिए, आपके और अगर नेगेटिविटी आपको फील हो रही है तो महामृत्युंजय मंत्र कम से कम एक घंटा अपने घर में चलाइए और आप क्लियरिंग कीजिए, नेचर में जाइए, बहुत सारा पानी पीजिए, लिक्विड लीजिए, हेल्दी फूड लीजिए, कम कोशिश कीजिए कि कम तला भुना आप लोग खाएं, इस वक्त बहुत ज़्यादा ऑयली फूड ना खाएं, ठीक है, बहुत ज़्यादा कैफीन ना लें इस वक्त, थोड़ा सा आपकी बॉडी जो आपसे डिमांड कर रही है उसको अंडरस्टैंड कीजिए और वो डिमांड को फुलफिल कीजिए, और मस्त रहिए, खुश रहिए, क्योंकि ये एनर्जी भी रहने वाली है, तो कोई पॉइंट नहीं बनता है, मेरी चैनलिंग का मतलब सिर्फ यही है कि आप रिलैक्स हो जाओ, कि भाई हमारे संग हम अकेले नहीं हैं, और लोग भी इस चीज़ को सफ़र कर रहे हैं राइट। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, ट्रिगर्स, घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं कहीं के जगह पर, या अगर आपके हस्बैंड या वाइफ है तो उनके थ्रू आपके ऊपर एक अटैक हो रहा है कि वो आपको ट्रिगर कर रहे हैं, तो यस, ये जो आप ही की और आपकी जो नेगेटिविटी होती है वो उनके थ्रू आप पे अटैक करती है, ठीक है। तो ये चीज़, और हाँ, ये चीज़ एक प्रकार से आपके लिए हानिकारक है, क्योंकि दिस विल समवेयर कोलैप्स योर टाइमलाइन, आपकी टाइमलाइन को कोलैप्स करने के लिए आपको इतना ट्रिगर कर दिया जाए, आपको लो वाइब्रेशन एनर्जी में लेके आया जाए, या आप जो भी सफोकेशन, लो वाइब्रेशन एनर्जी, साइकिक अटैक जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हो, ये सब चीज़ें आपकी टाइमलाइन को कोलैप्स करते हैं। तो हमको फिर जब पता चल गया है तो हमको पैनिक नहीं करना है, हमको यहाँ पर चैनल पे आके अवेयरनेस मिल गई है तो अब हमको उसके अगेंस्ट करना है। यू वांट टू कोलैप्स माय टाइमलाइन? नो, आई एम गोइंग टू चूज ऑर्गेनिक टाइमलाइन। आप उसके अगेंस्ट जाइए कि मुझे ऑर्गेनिक टाइमलाइन चूज करना ही है, चाहे जो कर लो, ठीक है। अंत में एक बात ज़रूर बोलूँगी दोस्तों, मैं 19 से यहाँ पर वीडियो बना रही हूँ, और अभी रिसेंटली कुछ ऐसे आप लोग के पास से मैसेजेस मुझे मिले हैं, हालांकि मुझे बहुत से मैसेज आप लोग के मिलते हैं, बहुत सारा प्यार मिलता है, आई एम ब्लेस्ड
शाम को मैंने नैनीता को भी सेशन में ये चीज़ शेयर की थी, अपने दिल की बात जो मैं आज आप लोगों से भी बोल रही हूँ। इसमें आप में से कुछ लोग, कुछ सब्सक्राइबर्स ऐसे होते हैं जिनको ये लगता है कि यहाँ पर सारी वार्निंग, सारी डिटेल्स दिए हुए हैं, मतलब भर भर के मैंने बहुत दिल खोल के यहाँ पर आप लोगों को हर चीज़ बताई हुई है, एक हाथ थामा हुआ है कि आपकी जर्नी पूरी हो जाए, आपको कष्ट ना हो, जिस प्रकार से मैंने सफ़र किया आप लोगों को सफरिंग ना हो। तो आप लोग में से कुछ लोग ये सोचते हैं 10% कि यू डिज़र्व दिस, यूट्यूब में वीडियो है, इट्स ऑल फ्री, तो देर इज़ इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो आप लोगों को समझना है कि अगर 2019 था जब ट्विन फ्लेम के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था और कहीं ना कहीं ये वीडियोस नहीं आते, बनते ही नहीं, यूनिवर्स बनवाता ही नहीं, और आप लोग उस वक्त कितना एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास भाग रहे हो, बाबा लोगों के पास भाग रहे हो, वो आपसे जो बेइंतहा उन्हें मांगना है पैसे मांग रहे हैं, बस कुछ अजीब सा कुछ अंदर चल रहा था, सब कुछ पता ही नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए। और इसीलिए परमात्मा ने आप लोगों के लिए ये चैनल्स बनवाया या मेरा चैनल बनवाया जिसमें कि मैं दिल खोल के यहाँ पर डिटेल में हर चीज़ देती हूँ। मैं नहीं हाथ थामा तो हाथ यूनिवर्स ही है, लेकिन मात्र एक मैं ज़रिया हूँ और उन्हें आपका हाथ थामा हुआ है। तो डोंट टेक दीज गाइडेंस ग्रांटेड। आप में से बहुत से लोग हैं जो कि किसी ना किसी बहाने से एनर्जी एक्सचेंज करके मेरी विजडम का एनर्जी एक्सचेंज बिल्कुल करते हैं, बट बहुत से 10% लोग ऐसे भी हैं जिनको ये लगता है कि ये फ्री है, यूट्यूब चैनल तो फ्री होता है तो बस इजीली अवेलेबल है। तो अंडरस्टैंड कीजिए कि अगर ये नहीं होता तो आपका क्या होता। तो जो चीज़ें मिल रही हैं उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, ठीक है। आप तभी डिजर्विंग होगे जब आपके सामने ये चीज़ आई है, मतलब परमात्मा आप पे मेहरबान है, वरना ये वीडियो भी नहीं आते। आज शायद बहुत से लोग सामने ये वीडियो नहीं भी पहुँच रहे होंगे। आज भले ये 4-5 साल से ये चैनल चल रहा है, पर शायद जिनका प्रारब्ध अभी भी नहीं जागा है, हो सकता है उनके सामने ये वीडियो आ ही नहीं रहे हैं। आज शायद वो लोग भाग रहे होंगे बाबाओं के पास, आज भी भाग रहे होंगे, या आज भी, या वो यूट्यूब में उनको चेक ढूंढना चाहिए, उनको दिमाग में भी नहीं आ रहा होगा, उनको ये क्लिक ही नहीं हो रहा होगा कि ये हमें समस्या का समाधान शायद यूट्यूब में मिल जाएगा। और दे आर सिंपली अपने हाथ पैर मार रहे हैं, जर्नी से स्ट्रगल कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, या DM के आगे बस हाथ पैर जोड़ रहे हैं और पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर चुके हैं। तो प्लीज़ ये जो टाइम 2024 का जो ये साल है, ये कर्मा का साल है, ग्रैटिट्यूड का भी साल है, शनि का साल है, और आपको समझना है कि यहाँ पर कोई यूट्यूब का कोई वीडियो इस चैनल का आपके सामने आया है, ये ब्लेसिंग्स है, ये इस डज नॉट मीन कि आप इसको ग्रांटेड लो। मुझे दुख होता है कि मुझे एक सब्सक्राइबर ने लिखा कि थ्योरी पार्ट 2 के लिए हमें पैसे देने पड़ेंगे, तो और ये इसमें क्या सिर्फ थ्योरी है? तो आप ये सोचिए, सिर्फ थ्योरी बोल के आपने मेरे 15-20 साल के अनुभव को पानी कर दिया। आज ये 15-20 साल का जो मैं अनुभव निचोड़ के कुछ पैसों में आपको यहाँ पर एज अ थ्योरी पार्ट 2 दे रही हूँ, उसको आपने ये समझा है कि तो बस थ्योरी है, जैसे कि चैनल पे और वीडियोस आते हैं। तो अगर ये सिर्फ थ्योरी है, तो अगर ये थ्योरी मैं आज नहीं बनाती तो आप उन चैनलिंग्स में ही अटके रहते, या ये चैनल के वीडियोस जिस जो आपको लगता है कि ये तो सिर्फ वीडियोस हैं हमको मिल ही रहे हैं, ठीक है, ये नहीं होते तो आपका क्या होता, ठीक है। तो समझिए, ये यहाँ पर आपका ब्लॉकेज है कि आप ग्रैटिट्यूड के मोड में नहीं हो। अगर एक भी वीडियो में 2.3K वीडियो में से एक भी वीडियो ने अगर आपकी लाइफ में कुछ भी चेंज लेके आया है, इट मीन्स कि गॉड आप पे मेहरबान है, यू आर सो ब्लेस्ड। और अगर आपकी ज़िंदगी पूरी चेंज हुई है तो सोचिए आप क्या गॉड के कितने प्यारे बच्चे होंगे। तो इन फ्री वीडियोस को इतना ग्रांटेड मत लीजिए। एंड समवेयर आपके ये मैसेजेस मुझे डिसहार्टन करते हैं कि वाई आई एम मेकिंग वीडियोज एवरी डे। ठीक है, मैंने सब पूरा का पूरा अपना यहाँ पर दे दिया है, अब मुझे ज़रूरत नहीं है हर दिन वीडियो बनाने की। एंड तब क्या होगा, जब आप लोग कहीं ना कहीं अंदर इसी प्रकार से बेचैन हो रहे होंगे और मेरा वीडियो पहुँचेगा नहीं आपका हाथ पकड़ने के लिए,
कि डोंट वरी, ऐसा कलेक्टिव में हो रहा है। सोचिए।